हाँ तो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके लाइफ में आपका एक्स वापस आने की कोशिश कर रहा है और आप इस बात से परेशान हो और सोच रहे हो कि आपका एक्स आपके लाइफ में वापस क्यों आना चाहता है, तो अगर आपको अपनी परेशानी दूर करनी तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी परेशानी कम हो। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और एक भी पॉइंट स्किप मत करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपने एक्स से पूछना है, यानी कि पता लगाना है कि वो आपके लाइफ में वापस क्यों आना चाहता है। हो सकता है उसका कुछ खुफिया मकसद हो जिसके लिए वो आपके लाइफ में वापस आना चाहता हो, या फिर कोई अच्छा मकसद भी हो सकता है। तो जो भी उसके पीछे चीज़ है, मतलब कि जो भी रीज़न है, वो आप पता लगाना कि वो आपके लाइफ में वापस क्यों आना चाहता है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अगर वो वापस आना चाहता है तो आप उसको सिर्फ दोस्त बना के रखो। मुझे पता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप होने का बहुत बड़ा रीज़न होगा, लेकिन अगर आपका एक्स वापस आना चाहता है तो डायरेक्टली उसको अपना गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसको आपको दोस्त बनाना है। सारे रिश्ते नाते जो भी रिलेशन है वो सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रखने हैं, ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों, इसके बाद आपको जो करना है, मतलब थर्ड पॉइंट जो आपको करना है वो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोस्त बना के आपने सही डिसीजन लिया और आप उसको नोटिस कर रहे हो कि आपका एक्स अच्छा हो गया है, मतलब कि पहले से सुधर गया है, तो ही आपको अपने लाइफ में उसको वापस लेना है। मतलब कि पहले तो आपको उसको दोस्त बना के रखना है और उसको नोटिस करना है। अगर वो अच्छा इंसान बन गया है और अपनी गलतियाँ सुधार चुका है, तो ही आप ये डिसीजन लेना कि आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के तौर पर अपने लाइफ में उसको वापस लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है, वो जैसा का वैसा ही है, यानी कि वो सुधरा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो दोस्ती अच्छा है। मतलब कि चौथी चीज़ आपको यही करनी है, अगर वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो उस बिल्कुल भी सुधरा नहीं है, जैसा वो पहले था वो अभी भी वो वैसा ही है, तो आपको उसके साथ सिर्फ दोस्ती रखनी है, मतलब कि उसको दोस्त बना के रखना है, उसके आगे आपको बात नहीं बढ़ानी है। लेकिन दोस्तों, आपकी पुरानी फीलिंग्स वापस से जाग जाती है, मतलब कि आपका एक्स अगर बिल्कुल भी सुधरा नहीं है और आप फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, पहले जब उसने आपको धोखा दिया था तो अगली बार भी आपको धोखा दे सकता है। तो इसीलिए अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो कि आप उसको अपनी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड या फिर एज अ बॉयफ्रेंड उसको वापस लाने की, यानी कि ये रिस्क आप सोच समझ के लेना, क्योंकि यार वो इंसान ने पहले भी आपको धोखा दिया है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आगे जाके आपको धोखा ना दे। तो ये डिसीजन आपका होगा, इसको आप सोच समझ के ही लेना। तो यार बस, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, जिससे कि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी स्टाइलिश, स्टे कूल, हैस्ता ला वीस्ता।